नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पेशल। मैं हूं आपके साथ प्रीति। सनातन परंपरा में रविवार के दिन सूर्य देव को समर्पित माना जाता है। सूर्य को सभी ग्रहों का स्वामी भी कहा गया है। सूर्य देव ऊर्जा, आरोग्य, ज्ञान और नवीनता के प्रतीक हैं। उन्हें सतत जीवन में प्रत्यक्ष देवता मानकर पूजा जाता है। कुंडली में सूर्य को मजबूत करने के लिए कुछ उपाय करना लाभकारी साबित हो सकता है। कहा जाता है कि पूरे हफ्ते सूर्यदेव की उपासना से जो फल मिलता है उससे कई गुना ज्यादा फल सिर्फ रविवार की पूजा से मिलता है। इससे कुंडली में सूर्यदेव की स्थिति मजबूत होती है और सभी परेशानियों से निजात मिलती है। इसके अलावा रविवार को कुछ खास उपाय किए जाने से आप भाग्यवान भी बनते हैं। आइए जानते हैं कुछ उपाय। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठे जल्दी स्नान करने के बाद सूर्यदेव को अर्घ दे जल अर्पित करते समय ध्यान रखें कि तांबे के कलश का इस्तेमाल करें। इसमें रोली, अक्षत, लाल पुष्प और गुड़ डालकर सूर्यदेव को अर्पित करें। मान्यता है कि सूर्यदेव को अर्घ देने से सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होती है। अर्घ देते समय कोई गहरा बर्तन पैरों के आगे रख ले और उसमें जल का अर्घ दे ताकि पानी की छींटी पैरों पर ना पड़े। रविवार के दिन नियमित रूप से आदित्य हृदय स्रोत का पाठ अवश्य करें। इससे सूर्यदेव प्रसन्न होकर भक्तों के सभी मनोरथ पूर्ण करते हैं। धार्मिक ग्रंथों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि श्री राम ने भी रावण का वध करने से पहले आदित्य हृदय स्रोत का पाठ किया था। ये पाठ करने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है। मान्यता है कि रविवार के दिन व्रत रखने से सूर्य से जुड़ी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इस दौरान व्रत में नमक से परहेज करें। रविवार के दिन पीपल की भी पूजा होती है और इस दिन भगवान काफ़ी खुश होते हैं। इसलिए रविवार के दिन शाम को आटे से एक चौमुखा यानी चार मुख वाला दीपक बनाएं और फिर उसे पीपल के पेड़ के नीचे जला दें। इससे आपको जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और यश की प्राप्ति होगी। रविवार के दिन रात को सोते वक्त अपने सिरहाने पर दूध का गिलास रख के सोए और सुबह उठकर इस दूध को बबूल के पेड़ की जड़ में डाल दें। इससे आपके सारे मनोरथ जरूर पूर्ण होंगे।